नमस्कार, यूपी नाव में आपका स्वागत है। इस महीने प्रयागराज में शुरू हो रहे कुंभ स्नान के लिए यात्रियों को मोदी सरकार एक और तोहफा देने की तैयारी में है। देश की पहली सर्वाधिक स्पीड से चलने वाली ट्रेन TE18 पहले प्रमुख शाही स्नान 15 जनवरी से पूर्व चल सकती है। यूं तो यह ट्रेन दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को जोड़ेगी, परंतु रास्ते में या कानपुर और प्रयागराज में रुककर यात्रियों को उतारेगी और चढ़ाएगी भी। सूत्रों के अनुसार देश के सर्वाधिक रफ्तार से चलने वाली अत्याधुनिक ट्रेन TE18 अगले सप्ताह चल सकती है। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली TE18 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज बुधवार को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खुद इस अत्याधुनिक ट्रेन का मुआयना किया। सूत्रों के अनुसार TE18 को चलाने को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। ट्रेन TE18 का निर्माण ICF चेन्नई ने 100 करोड़ रुपए की लागत से किया है। ट्रेन की रफ्तार को 160 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाने का परीक्षण किया गया है। कोटा, आगरा और इलाहाबाद के बीच सफल परीक्षण पहले भी किया जा चुका है। ट्रेन 6 घंटे में नई दिल्ली से इलाहाबाद और 8 घंटे में वाराणसी का सफर तय करेगी। अभी तक ट्रेन का किराया तय नहीं हो सका है, लेकिन संभव है कि अगले सप्ताह तक ट्रेन 18 का किराया भी तय किया जा सकेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज दोपहर बाद प्लेटफॉर्म 1 पर TE18 को लगाया गया। इस दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेन का मुआयना किया और खुशी जताई कि यह ट्रेन अत्याधुनिक ही नहीं बल्कि यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक रहेगी। हालांकि इससे पहले उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता में कहा कि 8 घंटे में ट्रेन वाराणसी पहुंच जाएगी, जबकि मेल एक्सप्रेस ट्रेन को वाराणसी पहुंचने में 11.5 घंटे लगते हैं। इससे यात्रियों को 3.5 घंटे की समय की बचत होगी। वरिष्ठ पत्रकार सुशील देव ने इस ट्रेन की तमाम खूबियों के बारे में बताया है। ये सीट जो है एग्जीक्यूटिव क्लास है और इसकी सीट मूवेबल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से आप घुमा सकते हैं, विंडो का नज़ारा ले सकते हैं यहाँ बैठ के बाहर का, और आप अगर फैमिली के 4 मेंबर हैं तो आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं अपने आप को, बैठ सकते हैं। बाकी कम्फर्टनेस के लिए आप देख रहे हैं कि पैर रखने की जगह भी है, काफ़ी स्पेसस है। इस तरह से जैसा कि आपको बताया कि ये जो है इस तरह से आप लगाते हैं, स्पेशल और विशिष्ट मतलब विंडो कह सकते हैं इसकी। और ये जो है LED बल्ब है, इसके अपने हाथों से आप इसको सेंसर के जरिए जला सकते हैं, इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं। और ये जो है आप सामान रखने के लिए जो रैक्स हैं, ये बहुत बेहतरीन जो आप देख रहे हो। और इस तरह से आप इस गेट की तरफ आए, बायोलैट्रिन जो जैसे कि अभी रेल मंत्री पीयूष गोयल साहब ने कहा, ये वाले हैं। आप बताएं ट्रेन के बारे में क्या खासियत है, कितनी अच्छी ट्रेन है? अभी तो मेरे को पता नहीं, अभी पता नहीं, आगे देखेंगे। मेरे सुपरवाइजर हैं उनको। अच्छा जी, सेंसर सेंसर कि आप देखिए, जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे ये ओपन होता है और ये अपने आप खुल जाता है, इस तरह की व्यवस्था है। ऐसा फील होता है जैसे किसी एरोप्लेन में हम सफर कर रहे हैं करेंगे, और ये बिल्कुल उसी अंदाज का बना हुआ है। जिस किसी ने कभी प्लेन में सफ़र नहीं किया हो, वो प्लेन का आनंद
मतलब हवाई जहाज का आनंद उसको आ सकता है इस प्लेन में सफर करके, इस ट्रेन में सफर करने से। और जैसा कि आपको बताया कि एक ट्रेन से दूसरे, इस बोगी से दूसरे बोगी में आप जाते हैं, ये सेंसर्स लगे हुए हैं, गेट्स अपने आप खुल जाते हैं और ये अपने आप बंद भी हो जाता है। बाहर आते आइए और ये ट्रेन बाहर की चीजें बाहर चलेगी सर ये ट्रेन। ये ट्रेन मेरे ख्याल से 160 किलोमीटर की रफ्तार पर ट्रायल हुआ है और उसे भी चलनी चाहिए और 6 घंटे में इलाहाबाद पहुंचेगी और 8 घंटे में वाराणसी पहुंचेगी। सर इतनी अच्छी ट्रेन है, आप लगता नहीं इसकी सुरक्षा के लिए सरकार को और भी काम करना चाहिए? लोग पत्थर फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, गंदा कर देते हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए रेलवे के आरपीएफ और तमाम व्यवस्था लगाई गई होगी कि ट्रेन की सुरक्षा कैसे की जाए, और मुझे लगता है रेल मंत्रालय राज्य सरकार से भी बात कर रही होगी। बहुत अच्छा लगा, शताब्दी लुक वाइज ऐसे शताब्दी, लेकिन फिर भी इसके लिए काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया जो लोगों को बहुत मज़ा आएगा, यानी कि इसमें सफ़र करने का। मुझे लगता है कि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जो इस टाइम की सबसे परफेक्ट टेक्नोलॉजी। काफ़ी अच्छा।